भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। राजपथ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेगा रिहर्सल आज, 12,000 लोग होंगे शामिल। दुबई के बुर्ज खलीफा पर योग गुरु बाबा रामदेव की लगी पाठशाला। पीएम मोदी ने दी वीवीआईपी फोन टैपिंग मामले की जांच के आदेश। गृह मंत्रालय से तलब की रिपोर्ट, कहा भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का दूसरे कार्यकाल से इंकार, जेटली ने फैसले का किया स्वागत। अरुंधति भट्टाचार्य, राकेश मोहन समेत कई रेस में। आज 46 साल के हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई। कांग्रेस मुख्यालय में होगा समारोह। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस शासन के दौरान हुए जमीन घोटाले की जांच करेगी महबूबा सरकार। प्रिंसिपल अकाउंट जनरल ने 25,000 करोड़ रुपए की घोटाले का मामला बताया। और आप देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का मेगा रिहर्सल किया जा रहा है। इसमें 12,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। राजपथ पर योग दिवस की भव्य तैयारियां की गई है। रविवार शाम होने वाले मेगा रिहर्सल के लिए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया है। रविवार शाम 5 बजे से राजपथ गाड़ियों के लिए बंद रहेगा। 21 जून से पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में बाबा रामदेव की योग पाठशाला लगी। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। बाबा रामदेव ने योग को धर्म से न जोड़ने की अपील की। मल्टीनेशनल कंपनी एसआर ग्रुप से जुड़े फोन टैपिंग मामले में सरकार ने सख्ती दिखाई है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन टैपिंग मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले को लेकर पीएम मोदी बेहद गंभीर हैं और उन्होंने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। पीएम मोदी ने सख्ती से कहा कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री का साफ मानना है कि सरकारी नीतियों को बनाने में किसी भी बाहरी तत्व का रोल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीवीआईपी फोन टैपिंग मामले को लेकर वकील सुरेश उप्पल ने पीएमओ में शिकायत की थी। उप्पल ने सबूत के तौर पर 29 पन्नों के एक दस्तावेज भी पीएमओ को दिया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने साफ कर दिया है कि वो केंद्रीय बैंक के प्रमुख के तौर पर दूसरा कार्यकाल नहीं चाहते हैं। राजन ने इसके लिए मना कर दिया है। उन्होंने आरबीआई के सहयोगियों से कहा कि वे 4 सितंबर को कार्यकाल समाप्त होने के बाद शैक्षिक गतिविधियों से दोबारा जुड़ेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रघुराम राजन के फैसले का स्वागत किया है। जानकारी के मुताबिक अगले आरबीआई गवर्नर पद की रेस में पूर्व वित्त सचिव विजय केलकर, आरबीआई के मौजूदा डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल, एसबीआई प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य, वित्त मंत्री के पूर्व सलाहकार पार्थ सारथी सोम और जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है। आज राहुल 46 साल के हो गए हैं। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही ट्वीट कर कांग्रेस उपाध्यक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। पीएम ने राहुल के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष के जन्मदिन पर दोपहर में कांग्रेस मुख्यालय में समारोह का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अमेठी का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी 2004 में पहली बार सांसद बने थे। राहुल के कांग्रेस की कमान संभालने की अटकल हमेशा लगाई जाती है, हालांकि पार्टी की ओर से इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के समय अमल में लाए गए रोशनी स्कीम के तहत हुए जमीन आवंटन में अनियमितताओं की जांच का फैसला किया है। सरकार की ओर से शनिवार को विधानसभा में इसकी जानकारी दी गई। रोशनी स्कीम के तहत राज्य सरकार की हजारों एकड़ जमीन को गैर कानूनी तरीके से कम कीमत पर बांटे जाने की शिकायत की गई थी। इस आवंटन से मौजूदा सरकार के बड़े मंत्री, पूर्व मंत्री, राजनेता, पुलिस अधिकारी और अन्य नौकरशाहों को फायदा पहुँचाने का आरोप है। साल 2014 में प्रिंसिपल अकाउंट जनरल ने रोशनी एक्ट के तहत 25,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात कही थी। पीएजी ने रोशनी एक्ट को राज्य का सबसे बड़ा जमीन घोटाला बताया था। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। एनएसजी में भारत की सदस्यता को समर्थन रूस ने समर्थन करने का भरोसा दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो इस मसले को सियोल में होने वाली बैठक में उठाएंगे। सोमवार से एनएसजी सदस्यों की बैठक होने वाली है। पुतिन ने कहा कि वे ईमानदारी से भारत की सदस्यता को लेकर एनएसजी की बैठक में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि वो चीन से भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो किस आधार पर भारत की सदस्यता का विरोध कर रहे हैं। हालांकि पुतिन ने कहा कि नियमों के मुताबिक ही आखिरी फैसला लिया जाएगा।
साथ ही पुतिन ने कहा कि जितने नए देशों ने सदस्यता के लिए अपील की है उनके बारे में 48 सदस्यों एनएसजी टीम बैठक में विचार करेगी। आसमान में हिंदुस्तान की बेटियों ने शनिवार को इतिहास रच दिया। देश की तीन अफसर बेटियां पहली बार वायुसेना में बतौर फाइटर प्लेन पायलट कमीशन हो गई है। भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि में राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार भी भागीदार बना है, क्योंकि मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और भावना कंठ इन्हीं राज्यों में ताल्लुक रखती है। हैदराबाद के हकीम पेट में स्थित एयरफोर्स अकादमी में शनिवार सुबह पासिंग आउट परेड की शुरुआत हुई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी अकादमी पहुंचे। उन्होंने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद देश के नभ को सुरक्षित रखने का जिम्मा तीनों महिला पायलटों को सौंप दिया गया है। आम आदमी पार्टी अगले साल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 9 और 10 जुलाई को गुजरात जाकर इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। आम आदमी पार्टी के उच्च स्तरीय सूत्रों ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात जाकर केजरीवाल उन्हें चुनौती देंगे। केजरीवाल और उनकी पार्टी का मानना है कि आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में बीजेपी सरकार गुजरात में कमजोर हो गई है। वही फिलहाल कांग्रेस किसी भी तरह से बीजेपी का सामना करने लायक नहीं है। अगले महीने केजरीवाल गुजरात की यात्रा करेंगे। अपनी इस चुनावी यात्रा की शुरुआत वो 9 जुलाई को सोमनाथ मंदिर जाकर करेंगे। बिलासपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। केंद्र में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित विकास पर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। छत्तीसगढ़ के सियासी हालात का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य में पिछले चुनाव में कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, लेकिन अब अजीत जोगी ने उस जहाज में छेद कर दिया है और अब उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता। मुंबई पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में बीते जमाने की बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को भी आरोपी बनाया है। उनके पति विक्की गोस्वामी पहले से ही इन मामलों के नामजद आरोपी हैं। दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा सकता है। ममता कुलकर्णी ने आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा, उन्हें साबित करने दीजिए, मेरी जानकारी में मैं कभी इस अब्दुल्ला नाम के शख्स से नहीं मिली। अब पुलिस के पास साबित करने के लिए कुछ नहीं है, पहले उन्हें कोर्ट में साबित करने दीजिए। दूसरी ओर ममता की पति विक्की गोस्वामी ने यह भी कहा कि वे अपनी जिंदगी में कभी भी अब्दुल्ला से नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा, मैं उसे किसी भी रूप में नहीं जानता। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।